पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमहामोह ग्राहग्रासैककर्मणे। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ महादेव पंचदशी ग्रंथ के चित्रदीप प्रकरण, इसमें भी प्रतिपत्तियां हैं, तो आत्मा के स्वरूप में भी प्रतिपत्तियां दिखलाई। शरीर से लेकर के आनंदमय कोष पर्यंत ये आत्मा कहने वाली है, और आत्मा का जब साक्षात्कार नहीं है तो आत्मा के परिमाण जो है उसके ऊपर ही विवाद होगा। हैं, धर्मी का ये साक्षात्कार हो जाता ठीक से तो धर्मों में भी विवाद नहीं होना चाहिए, है ना? तो धर्म विवाद हो रहा है, इसका मतलब धर्म जिसका है ऐसा जो आत्मा है, आत्मा स्वरूप का भी साक्षात्कार निश्चय हुआ नहीं है। तो सबसे पहले आत्मा का परिमाण बतलाया, अणु परिमाण। अणु अणु मानते हैं भैया, रामानुज सिद्धांत है, माध्व सिद्धांत है, आत्मा को अणु मानते हैं। तो इसमें श्रुति आभास को भी दिखला दिया, अणु अणियान बोल दिया, एसो अणुर आत्मा सूक्ष्मा सूक्ष्मा तरम, है ना? ऐसा बता दिया, 80 नंबर हो गया था मेरे ख्याल से, और 81 होगा, 81 नंबर। श्रुत्यंतरम उदाहरति, ये भी हुआ क्या? नहीं हुआ, नहीं हुआ। 81 नंबर राजू, एका होना है। अच्छा, ठीक है। तो श्रुत्यंतरम, एक तो श्रुति पहले बताई श्वेता सत्तर की, हाँ जी श्वेता सत्तर की बतलाई, एक तो मुंडक की बतलाई कि आत्मा सूक्ष्म है, आत्मा अणु है, और एक श्रुति बतला रहे श्वेता सत्तर उपनिषद की, बालाग्र शतभागस्य बालाग्र शतभागस्य सतधा कल्पितस्य च भागो जीवः सविज्ञेय इति चाहा परा श्रुतिः इति चाहा परा श्रुतिः। बोलो भाई। कहते हैं कि देखो, बालाग्र शतभागस्य कल्पितस्य,
हाँ, बाल के अग्रभाग, हाँ एकदम अग्रभाग जो है, कितना 100 भाग कर लो और क्या, 100 भाग कर लीजिए। हाँ तो श्रुति बोलती है वहाँ पर, ये श्रुति है 3 नंबर टिप्पण में दिया है, देखो स्वेता सतर बालाग्र शतभाग से स्वेता सतर में आया। हाँ ऐसे ही जो है कल्पना कर लो, बाल के अग्रभाग के 100 भाग कर लो, 100 भाग चीर लो और क्या, जितना होगा ऐसा परिमाण वाला जीव को समझना चाहिए। जीव स विज्ञेय, ये आह अपरा श्रुति स्वेता सतर श्रुति बोलती है। इसलिए क्या सिद्ध हुआ, हम जो आत्मा को अणु मानते हैं ये श्रुति प्रमाण से मानते हैं हम। इसलिए आत्मा का परिमाण हो गया अणु, छोटा है छोटा है, ये रामानुजादी सिद्धांतों का है। अच्छा तो एक हो गया मत, दूसरा मत है 82 नंबर में, देखो मध्यम परिमाण मानते हैं, मध्यम परिमाण, आत्मा ना छोटा है ना आत्मा बड़ा है, वो बीच वाला है ये हो गया दिगंबर जैन, दिगंबर लोग मानते हैं। मध्यम परिमाणवादिनो मतम दर्शयति, मध्यम परिमाणवादी, आत्मा का परिमाण कौन सा है, मध्यम परिमाण, मध्यम परिमाणम वदन्ति इति मध्यम परिमाणवादिनः। ये प्रथमा का बहुवचन है नरण, प्रातिपदिक हो जाएगा मध्यम परिमाणवादिन नकारांत, जैसे दंडिन होता है ना, हाँ दंडिना बनता है इसी प्रकार। तो उनके मत को दिखा रहे, मतम दर्शयति, दर्शयति का अर्थ दिखा रहे हैं, हम लोगों को दिखा रहे हैं कि ऐसा मानते हैं लेकिन तुम ना मानो, ये कहने का ही प्रयास है ना, मानने के लिए नहीं बता रहे, ऐसा वो लोग मानते हैं, उनका ये अपसिद्धांत है, ये कहना है इनको। दिगंबरा मध्यमत्व, दिगंबरा मध्यमत्व, माहुरापादमस्तकम्, माहुरापादमस्तकम् चैतन्याव्याप्तिसंदृष्टे, चैतन्याव्याप्तिसंदृष्टे रानखाग्रश्रुतेरपि, रानखाग्रश्रुतेरपि। कहते हैं देख लो भाई, दिगंबरा, दिगंबरा कौन, जैन सिद्धांत, जैन लोग उसको बोलते दिगंबरा। आहु मानते हैं वो लोग, क्या मानते हैं, बोलते हैं कि मध्यमोत्तम आहु, आहु का कर्म हो गया मध्यमोत्तम, आत्मा का परिमाण मध्यमत्व है, ना छोटा है ना बड़ा है। क्यों मानते हैं ऐसा है, छोटा है कि छोटा भी नहीं मानते हो, बड़ा भी नहीं मानते हो, मध्यम क्यों मानते हो। अरे मध्यम मानने से जो है ना वो नीचे से वो वहाँ तक रहेगा, हाँ पाद से लेकर के मस्तक तक तो रहेगा वो, है ना, ऐसा मानते हो है ना। तो बहुत बड़ा यदि मानोगे तब तो फिर रह जाएगा, थोड़ा बाकी रह जाएगा, छोटा ही नहीं मान सकते, छोटा मानोगे तो फिर शरीर के एक भाग में रहेगा, दूसरे भाग में तो रहेगा नहीं, ये अभिप्राय है। आपाद मस्तकम ये उनका कहना है ना, बहुत बड़ा मानेंगे तो क्या है, शरीर में आधा भाग रहेगा, आधा भाग बाहर रहेगा ऐसा वो लोग कहते हैं। और छोटा यदि मानोगे तो, हाँ छोटा यदि मानोगे तो क्या होगा फिर, हाथी में जाएगा तो हाथी के एक भाग में रहेगा फिर आत्मा, दूसरे भाग में नहीं रहेगा, एक भाग में चेतन जहाँ जिधर रहेगा वो चेतन होगा, और जिधर आत्मा नहीं रहेगा तो वो तो जड़ हो जाएगा, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, ये उनका कहना है, ये जुगती है उनकी भी। चैतन्य व्याप्ति संदृष्टे, चैतन्य की व्याप्ति, चैतन्य का संबंध पूरे शरीर में होता है, पाद से लेकर के मस्तक पर्यंत चैतन्य की व्याप्ति, मतलब चैतन्य का संबंध है ना, अहम बोलने से आप पूरे को समझते हो, पास लेकर के
मस्तक पर्यंत सभी में आप अहम बुद्धि करते हो, इसलिए आत्मा का परिमाण क्या हो गया, मध्यम हुआ। श्रुति भी कहती है आ नखाग्रह सुते है, ये श्रुति बोलती है भाई, है ना, बृहदारण्यक श्रुति में कहती है। ये चैतन्य का संबंध है तो नख से लेकर के ऊपर तक मस्तक तक है। ये लोग सूत्र वेद को तो नहीं मानते हैं चार ये जैन लोग, लेकिन अपने सिद्धांत को पुष्ट करने के लिए कहते हैं कि वेद में भी ऐसा कहा गया है, ये बोलते हैं। तत्र उपपत्ति, उनके सिद्धांत में उपपत्ति, उपपत्ति मतलब जुक्ति। जुक्ति क्या हुई, आपाद मस्तकम चैतन्य व्याप्ति संदृष्टे, पास से लेकर मस्तक पर्यंत चैतन्य का संबंध दिखता है, इसलिए इसलिए आत्मा का परिमाण क्या है, मध्यम, ना बड़ा ना छोटा। तो श्रुति है प्रमाण दिखा दिया, स एष इह प्रविष्ट आ नखाग्रेभ्यः, अरे आत्मा प्रविष्ट हो गया है, नख से लेकर के ऊपर तक प्रविष्ट हुआ है आत्मा, ये श्रुति बोलती है। अच्छा, ये जो मध्यम परिमाण है जैनों का सिद्धांत है, तो लेकिन आत्मा तो नाड़ी में प्रवेश करता है ये कहा गया, तो मध्यम परिमाण यदि मानोगे, श्रुति में जो बात कही गई कि आत्मा तो छोटी सी जो चीज है नाड़ी है उसमें प्रचरण करता है, गमनागमन करता है, ये कैसे होगा, सपना वास्तव में तो वह नाड़ी में जाकर रह जाता है, ये कैसे होगा। यदि आत्मा का परिमाण को मध्यम मानोगे तो 83 नंबर देखो, 83, इसमें कोई ज़्यादा विचार नहीं है, इसलिए कोई विचार लिया नहीं, ऐसा वो लोग मानते हैं, ये इसको दिखाना केवल। ननो मध्यमा परिमाणत्वे श्रुति सिद्धो नाड़ी प्रचारो न घटते, ये कहा जाएगा दिगंबर से, दिगंबर से ये पूछा जा रहा है। आप मध्यमा परिमाणत्वे आत्मा का परिमाण को यदि मध्यम मानोगे, मतलब क्या हुआ, व्यापक भी नहीं मानते हो और अणु में नहीं मानते हो, मध्यम परिमाण मानते हो, तो लेकिन श्रुति में जो सिद्ध है, श्रुति सिद्ध मतलब श्रुति प्रमाण है यह सिद्ध, श्रुति में जो सिद्ध है निश्चय है, और श्रुति की बात को तुम तो नहीं काट सकते, क्या कहा श्रुति में, नाड़ी प्रचार हो, नाड़ी में प्रचरण, प्रचार करता गमन है, नाड़ी में प्रचरण करता है, गमन करता है आत्मा, ये कैसे घटेगा, ना घटते, नहीं घट सकता है। इति आशंक्य, ऐसी आशंका होने पर तात्पर्य क्या निकला, यदि आत्मा को मध्यम परिमाण मानोगे तब तो नाड़ी छोटी सी चीज है, उसमें कैसे कैसे प्रवेश करेगा आत्मा, प्रवेश नहीं कर सकता ना, ये बोला जा रहा है। 83 नंबर, सूक्ष्म नाड़ी प्रचारस्तु, सूक्ष्म नाड़ी प्रचारस्तु सूक्ष्मैर अवयवैर्भवेत्, सूक्ष्मैर अवयवैर्भवेत् स्थूलदेहस्य हस्ताभ्यां, स्थूलदेहस्य हस्ताभ्यां कञ्चुकप्रतिमोकवत्, कंचुक प्रतिमो कवत। देखो कहते हैं भाई, सूक्ष्म नाड़ी प्रचारस्तु, दिगंबर बोल रहा है जैन लोग, वो कहते हैं सूक्ष्म नाड़ी में जो गमन कहा गया आत्मा का, आत्मा का जो प्रवेश कहा गया नाड़ियों में, सूक्ष्म नाड़ियों में, ये कथन तो घट जाएगा हमारे अनुसार यदि माना जाए तो। कैसा माना जाए तो, बोलते हैं देख लो, तो स्थूल देहस्य, अच्छा सूक्ष्म अवयव ही स्थूल देहस्य,
हाँ भवेत ये बोला जा रहा है। देखो सूक्ष्म अवयवेर भवेत ये बोल रहे हैं। अरे भाई आत्मा का अवयव सूक्ष्म है कि नहीं? आत्मा का अवयव सूक्ष्म है तो सूक्ष्म अवयव का यदि प्रवेश कर लिया, पूरा प्रवेश ना भी किया जाए, हाँ आत्मा का सूक्ष्म अवयव प्रवेश कर लिया तो आत्मा का प्रवेश हो जाएगा ये बोला जा रहा है। सूक्ष्म अवयवेर सूक्ष्म नाड़ी प्रचार अस्तु भवेत, ऐसा हम ना करो। आत्मा के जो सूक्ष्म अवयव है उतना ही प्रवेश करता है, किसमें? नाड़ी में। पूरा आत्मा का अंश प्रवेश नहीं करता नाड़ी में, फिर भी कहा गया कि आत्मा का प्रवेश हो गया नाड़ी में। ये कैसे होगा? बोलते हम दृष्टांत देते हैं। हम दृष्टांत दे रहे हैं, देखो पूरा वेद पढ़ने की क्या है, एक 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 वाक्य पढ़ लिया तो हो गया, बाकी युक्ति लगा दो। वो कहते हैं स्थूल दृहस्य हस्ताभ्याम कौचुक प्रतिको प्रतिमोक वध। देखो कैसे होगा, स्थूल देह का प्रवेश कह दिया जाता है। बोलते हैं कि तुम कुर्ता पहनो, कुर्ता पहनो कहने से क्या है, केवल हाथ को ही प्रवेश कर लिया, बस दो हाथ को प्रवेश कर लिया कौचुक प्रतिमोक वध। कौचुक बोलते हैं कुर्ते को, वस्त्र को, है ना। कुर्ते में हाथ को प्रवेश कर लिया तो क्या हो गया, पहन लिया, पूरे शरीर का प्रवेश हो गया। तो पूरे शरीर का कहाँ प्रवेश होता है, केवल हाथ का ही प्रवेश होता है। जैसे कहते कोई पैंट पहन लिया, हाँ दो पाँव को अंदर ले लिया तो पहन लिया, पूरे शरीर को पहन लिया, ऐसा कहा जाता है, गौण प्रयोग होता है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर कह रहे हैं आत्मा का परिमाण हो गया मध्यम, हाँ फिर भी आत्मा का अवयव होता है, थोड़ा सा अवयव सूक्ष्म अवयव जब प्रवेश कर लिया नाड़ी में तो आत्मा का प्रवेश हो गया। तो पूरी आत्मा का प्रवेश करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस अभिप्राय से वेद में कहा गया कि आत्मा का सूक्ष्म नाड़ी में प्रचरण होता है, प्रवेश होता है, ऐसी युक्ति करते हैं वो लोग। भाई जैन लोग अपनी अपनी युक्ति है। यथा देहावयवोर हस्तयोः, देखो भाई ये दृष्टांत है ना, देह का अवयव हो गया दो हाथ, हस्तयोः दो हाथों का कंचुक प्रवेशेना, कंचुक है कुकुरता, कुर्ता में प्रवेश होने से किसका, दो हाथों का प्रवेश हो गया। हाँ तब भी कह दिया जाता है कि शरीर का प्रवेश हो गया, वह शरीर में पहन लिया देहस्य कंचुक प्रवेश, वो शरीर का प्रवेश हो गया कंचुक में, वस्त्र में, कुर्ते में हो गया। तदवत इसी प्रकार से आत्मा अवयवानाम सूक्ष्माणाम, आत्मा का अवयव है सूक्ष्म, आत्मा को सावया मानते हैं ना वो लोग, आत्मा को सावया मानते हैं बहुत लोग मानने वाले हैं आत्मा को सावयव, आत्मा का अवयव है, ठीक है भाई। तो आत्मा का जो अवयव है सूक्ष्म, उनका प्रवेश हो गया नाड़ी में, नाड़ीसु प्रचरणा, नाड़ी में प्रचरण होने से, गमन होने से, प्रवेश होने से आत्मनो भी प्रचार, आत्मा का प्रचरण हो गया, आत्मा का गमन हो गया, आत्मा का प्रवेश हो गया, कहाँ पर, नाड़ी में। हाँ ये उपचर्यते गौण प्रयोग होता है, जैसे हाथ का प्रवेश हो गया कुर्ते में तो शरीर का प्रवेश हो गया बोल देते हैं, हो गया ना भाई। इसी प्रकार से आत्मा का थोड़ा सा अवयव प्रवेश कर लिया नाड़ी में तो आत्मा का प्रवेश हो गया, इसको कहते हैं गौण प्रयोग। पूरे आत्मा का प्रवेश नाड़ी में नहीं होता है, ऐसा वो लोग मानते हैं। अच्छा 84 नंबर में बोलते हैं, उसके ऊपर शंका की जा रही है, ननु आत्मनो नियत मध्यम परिमाणत्वे। देखो भाई बड़ा सुंदर कहा जा रहा है, आत्मा का परिमाण हो गया मध्यम, और नियत से, नियम से, हाँ बोलो भाई, हाँ बोलिए। हाँ
हाँ मुझ 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 मो हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मुझ धातु है, पहले मोक बनता है, फिर प्रति उपसर्ग लगा लो, हो जाएगा प्रतिमोक, है ना। तो प्रति उपसर्ग लगाने से प्रतिमोक का शब्द का अर्थ निकलेगा प्रवेश, समझ में ना। केवल मुझ का अर्थ तो छोड़ना, मुझ धातु का अर्थ मुचलर विवेचन है ना। केवल मुझ धातु का अर्थ छोड़ना होता है, त्याग होता है चले जाना होता है, निवृत्ति होती है। लेकिन प्रति लगाने से प्रवेश हो जाएगा, उपसर्ग से धातु का अर्थ अलग हो जाता है। ठीक है भाई, चलो। नानो आत्मनो नियत मध्यमा परिमाणत्वे, आत्मा का कौन सा परिमाण मानता है जैन? मध्यम परिमाण। अरे नियत मतलब हमेशा है, आत्मा का परिमाण तो नियम से मध्यम ही होता है, ना छोटा होता है ना बड़ा होता है, मध्यम ही रहता है। तुम ऐसा मानते हो तब तो भी देखो कर्मवशात, भाई अपने अपने कर्म के अनुसार उनको शरीर मिलेगा ना आत्मा को। फिर कर्म के कारण तो कभी हाथी में हाथी बन जाएगा वो, है कि नहीं। मृत्यु के समय हाथी का संस्कार होगा तो हाथी बन जाएगा अगले जन्म में। तो हाथी हो जाएगा तो क्या होगा, बड़ा हो जाएगा ना। तो बड़ा हो जाएगा तो फिर कैसे होगा फिर, हाथी तो बहुत बड़ा होता है। तो हाथी के थोड़ा सा क्या के पाँव में या किसी अवयव में प्रवेश करेगा, पूरे हाथी के शरीर में तो प्रवेश नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि आत्मा तो छोटा हो गया। और आत्मा का जो शरीर हो गया हाथी, वो हाथी के पूरे शरीर में कैसे प्रवेश करेगा आत्मा, है नहीं। किसी के एक कोने में पड़ा रहेगा आत्मा फिर है कि नहीं। और मान लीजिए कभी चींटी बन जाएगी वो, चींटी बन जाएगी आत्मा, तो फिर क्या होगा। आत्मा का परिमाण तो मध्यम कहते हो, और थोड़ा सा ही प्रवेश करेगा चींटी जितना है, और बाकी अंश क्या बाहर रहेगा, लटका रहेगा फिर बस, है कि नहीं। बाहर पूरा लटका रहेगा आत्मा, और थोड़ा सा चींटी में प्रवेश करेगा, ये होगा न्यून नाम ठीक है भाई कर्मवशात न्यूनाधिक शरीर प्रवेश हो, ना घटते ये तो घटेगा नहीं नारायण। इसलिए आत्मा का परिमाण को मध्यम नहीं मानना चाहिए, ये शंका बनती है। समझ में आ रहा होगा ना भाई। अच्छा, इति आशंक्य, ऐसी आशंका होने पर हाँ वो बोलता है, देखो दिगंबर बोलता है, अवयव आगमा अपायाभ्याम आत्मनो नियत मध्यम परिमाणत्वात् देहवत उभयाम ना विरुद्धते इति आह। अरे कहते हैं देखो तुम लोग जो है ना विचार नहीं करते हो ना वेदांती लोग, केवल जो है बस ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या बोलते हो, इससे अतिरिक्त कुछ तो आता नहीं है, ऐसा बोलते हैं ना। ये बोलते हैं देखो अवयव आगम अपयाभ्याम, देखो बोलते हैं कि अरे पहले मान लीजिए छोटा था आत्मा, आपको जो है हाथी के शरीर में जाएगा तो कुछ अवयव आ जाएंगे, कुछ अवयव आ करके जो मिल जाएंगे तो बड़ा हो जाएगा करें और क्या। और मान लीजिए किसी शरीर में जाएगा, छोटा शरीर में जाएगा, हाँ तो कुछ अवयव जो घट जाएंगे, कभी अवयव बढ़ जाएगा तो कभी अवयव थोड़ा सा घट जाएगा, ये बन जाएगी बात और क्या। देखो ये युक्ति बोल रहे हैं, अवयव आगम, आगम का अर्थ उत्पत्ति, हाँ बड़े शरीर में जाएगा तो आत्मा क्या हो, आत्मा में कुछ अवयव की उत्पत्ति हो जाएगी, अवयव जुड़ जाएंगे, ऐसा मानते हैं ना। और छोटे शरीर में जाएगा तो आत्मा का क्या होगा, कुछ अवयव घट जाएंगे, ये बोलते हैं। देखो कभी बढ़ेगा तो कभी घटेगा क्या, अवयव आगम, आगम का अर्थ उत्पत्ति आ जाना, और अपाय मतलब घट जाना, कभी बढ़ गया अवयव कभी तो घट गया, है ना। इसलिए क्या है सिद्धांत, आत्मनो नियत मध्यम परिमाणत्वात्, आत्मा का जो परिमाण जो है मध्यम ही मानना चाहिए, है
नियत है वो अवश्य ही है ना। ना छोटा है वास्तविक, ना कोई बड़ा है, मध्यम परिमाण मानने से ही बात बनेगी। कभी घटेगा मतलब क्या है, अवयव बढ़ जाएगा तो कभी जो है घट जाएगा, है ना, ये बोलते हैं नियत मध्यम परिमाणत्वात्। हाँ, देहवत, जैसे देह शरीर में होता है इसी प्रकार उभयम ना विरुद्धते, इले कोई विरोध नहीं होगा। क्या विरोध है, दो नंबर टिप्पणी में दिया, न्यूनाधिक शरीर प्रवेश। हाँ, तो शरीर में प्रवेश करेगा तो न्यूनाधिक हो जाएगा। निराधिक हो जाए कैसे बनेगा, बोलते ये सब बन जाएगा, ये उनका सिद्धांत पे देखो। न्यूनाधिक शरीरेषु, न्यूनाधिक शरीरेषु प्रवेशोपि गमागमहि, प्रवेशोपि गमागमहि आत्मांसानां भवेत्तेन, आत्मांसानां भवेत्तेन मध्यमत्वं विनिश्चितम्, मध्यमत्वं विनिश्चितम्। देखो कहते हैं कि न्यूनाधिक शरीरेषु, कभी छोटा शरीर में चींटी आदि छिपकली आदि उस शरीर में भी प्रवेश कर लेगा, और कभी अधिक शरीर ऐसो कोई बड़ा शरीर में भी प्रवेश कर लेगा। ये कैसे हो जाएगा, बोले आत्मांसानां गमागम ही भवे। तो कहते हैं कुछ जो है गमलत चला जाएगा, है ना, छोटे शरीर में जाएगा तो कुछ अवयव घट जाएंगे आत्मा के, आत्मा का अंश के, हो गया ना, और बड़े शरीर में जाएगा तो कुछ अवयव कुछ अंश आत्मा में आ जाएंगे, है ना। इले तेना, ऐसा होने से मध्यमत्वम विनिश्चितम, आत्मा का परिमाण तो क्या मानना चाहिए, मध्यमत्व मतलब मध्यम परिमाण ही मानना चाहिए। इले हमने जो बताया इसके ऊपर तुम शंका ना करो, हमारी बात मानते जाओ, जैन धर्म को अपनाओ, मध्यमत्वम विनिश्चितम, ऐसा बोलने वाले हैं सब। अच्छा, तो इसके ऊपर दोष दिया जा रहा है, अब बोलते ये सिद्धांत को नहीं मानना चाहिए। ये देखो लिख रहे हैं भैया, 85 में कहा जा रहा है आत्मनः सावयवत्वे, भैया आत्मा का अवयव आ जाएगा, आत्मा का अवयव घट जाएगा, तो आत्मा को क्या मान लिया अपने, सावयव मान लिया, तार्किक लोग तुरंत खड़े हो जाएंगे, अरे वे जो कुछ भी सावयव पदार्थ तो होगा वो क्या होगा, नित्य होगा कि अनित्य होगा, वो तो अनित्य ही हो जाएगा, है कि नहीं। हाँ, ये लोग सब मानते हैं, देखो आत्मा का अवयव मानते हैं। हाँ, ये माध्वाचार्य वगैरह ये सब ऐसे ही मानते हैं, वो सिद्धांत है, द्वैत सिद्धांत है, आत्मा सावयव होता है, सावयव सारा जगत सारा चेतन ये परमात्मा का अवयव है, इसलिए परमात्मा को सावयव मानते हो, है ना। ऐसा सावर जी मानोगे तो क्या होगा, अनित्य हो जाएगा, तार्किक लोग बोल देंगे सीधा, आत्मना सावयत्वे घटाधिवत अनित्यत्व प्रसंगे न, इसलिए ये व्याप्ति बन जाएगी कि नहीं, यद यद अनित्यम तत्त सावयवम, जो कुछ भी नहीं, यद यद, हाँ ठीक है, यद यद सावयवम तत्त अनित्य, ऐसे करो, यद यद सावयवम तत्त अनित्यम, सावयत्व हेतु हो जाएगा, अनित्य हो जाएगा, साथ है जो कुछ भी सावयव होगा वो तो अवश्य ही अनित्य हो जाएगा, जैसे घटपटादि हो गया, आज नहीं तो कल, वो तो नष्ट तो होगा ही होगा, सावयव यदि मानोगे, इतने बड़े बड़े पर्वत होते हैं तो क्या वो नष्ट नहीं होता है, अभी नष्ट नहीं है तो आगे नष्ट हो जाएगा, धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा, वो निरंतर नष्ट होता ही रहता है। इसलिए आत्मा को आप सावयव नहीं मान सकते, सावयव मानेंगे तो अनित्यत्व प्रसंग, वो आत्मा तो अनित्य हो जाएगा, और अनुभव में भी नहीं घटता है कि मैं अनित्य हूँ, कहाँ अनुभव होता, मैं सदा रहूँ ये सबको अनुभव में होता है ना। ये बात आगे कह रहे हैं, देखो एतत् दुष्यति, है ना, तो यही यहाँ पर दोष दे रहे हैं,
क्या दोष है? सावयव मानोगे तो आत्मा में अनित्यत्व का प्रसंग हो जाएगा, यह है दोष। 85 नंबर, सांसश्च घटवर्णाशो, सांसश्च घटवर्णाशो भवत्येव तथा सति, भवत्येव तथा सति कृतनाशाकृताभ्याग, कृतनाशाकृताभ्याग मयो को बार को भवेत, मयो को बार को भवेत। कहते हैं नारायण, देख लो, बोलते हैं कि जो है सांसर्च नाशो भवत्येव है, सांसस्य अंशन सह वर्तते थे सांस, मतलब अंश वाला, सांस का अर्थ अंश वाला सावयव पदार्थ होता है ना, जैसे पट हो गया, पट का अवयव तंतु हो गया, पट को कहेंगे सावयव, है कि नहीं, ये सब सावयव हो जाएगा। घट हो गया सावयव, उसके टुकड़े होते हैं, छोटे छोटे मृतिका होते हैं, है जैसे लिख दिया घटवत, तो सांस पदार्थ अंश वाला जो होता है वो कैसा होता है, नाश, उसको विनाशी कहा जाएगा, अनित्य कहा जाएगा, जैसे हो गया घट, जैसे हो गया घट, है ना। अच्छा, तथा सति तो बोलते हैं आत्मा सावयव होने से विनाशी हो जाएगा, तो क्या आपत्ति, विनाशी हो जाए ना, तो बोलते कैसे मानोगे, ये तो दोष हो जाएगा ना। तो कृतनाश अकृत अभ्यागमय हो, ये दोष है, एक कृतनाश होता है एक अकृत अभ्यागम होता है ना। तो कृतनाश मतलब क्या, कृतस्य नाश कृतनाश, जो हमने कर्म किया है, जो हमने कर्म किया वो फल दिए बिना नष्ट हो जाएगा, क्योंकि आत्मा तो आके नष्ट हो जाएगा, शरीर छूट जाए, शरीर जैसे छोड़ गया तो आत्मा भी छोड़ गया, आत्मा भी नष्ट हो जाएगा। हैं, आपने कर्म किया और फल नहीं दिया अभी, हैं कर्म किए हो और फल ना दिया हो, ऐसा नहीं होता है, चाहे पुण्य कर्म हो चाहे पाप कर्म हो, हाँ ज्ञान हो गया तो अलग बात है है कि नहीं। बस जो है ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते, कहा ज्ञान रूपी अग्नि से सारा कर्म, संचित कर्म नष्ट हो जाता है, लेकिन ज्ञान अभी हुआ नहीं, साक्षात्कार हुआ नहीं, शरीर में अध्यास है ही, वो तो कर्म फल दिए बिना नष्ट नहीं होता है, इसलिए अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना भुक्तम चियते कर्म, कर्म कल्पकोटि सतेर भी बोल दिया करोड़ों जन्म करोड़ों कल्प भी बीत जाए, कर्म तो अपना तो फल देता ही देता है, ये विचार करना चाहिए, है ना। श्रुति बोलती है कि ये स्वर्ग काम हो जजे, तो देखो है तो जाग करो स्वर्ग मिलेगा, श्रुति बोल रही है, और आत्मा जब रही रहेगा नहीं स्वर्ग किसको मिलेगा फिर आत्मा जब रहेगा नहीं, आत्मा नष्ट हो जाएगा तो कर्म फिर कैसे किसको फल देगा, इसको बोलते हैं कृत नाश, किया हुआ कर्म को बोलेंगे कृत, किया हुआ कर्म फल दिए बिना नष्ट हो गया तो कृतनाश दोष हो जाएगा, है ना, चाहे पाप हो चाहे पुण्य हो फल तो अवश्य देता है, यही तो विचार करना साधक को, ज्ञान न भी हुआ है यही विचार करना चाहिए, हाँ सुख हो रहा है तो समझ लो कि हमने कभी पुण्य किया है, और दुख हो रहा है तो फिर क्या समझना चाहिए, सामने वाला हमको डांट दिया, गाली दे दिया, हमारा कोई दोस्त था नहीं, आकर के वो ऐसे ही खामे खामे हमको डांट दिया, बोलते कि नहीं, अरे तुमने जो पाप नहीं किया है तो तुमको दुख क्यों होगा, दुख हो रहा है मतलब हमने कहीं पाप किया है, सुख हो रहा है तो हमने कभी जो सुख जो पुण्य किया है, ये कहा जाता है, इसलिए सुखम दुखम ना को भी दाता, बोलते ना सुख दुख का देने वाला दूसरा कोई नहीं, अपना कर्म ही है, ऐसा विचार भी हो जाए ना तो फिर मन शांत हो जाता है,
किसी के फिर दोषारोपण नहीं देता फिर, फिर प्रारब्धिकाधीन रहता हो, भगवान के ऊपर भरोसा हो जाता है फिर, है ना। चलो, और अकृताभ्यागमः, यदि आत्मा विनाशी है तब तो आत्मा पहले था नहीं। आत्मा पहले था नहीं तो फिर जो है फल कैसे मिल रहा है। छोटा सा बालक को भी आप देख लीजिए नारायण, छोटा सा बालक भी, और इस जन्म में तो कोई जो है पाप तो किया नहीं, पैदा होते कहाँ पाप किया है, कोई पाप कर्म किया नहीं, लेकिन जन्म होते ही बहुत पीड़ा होती है उनको। देखो रोता है कि नहीं, देखो पैदा होते ही रोता है, वो कैसे रोया फिर, ये पाप ही, ये भी पाप ही है और क्या है। दुख हो रहा है तो समझ लो कि पाप ही है, भले आप घंटी बजाते रहो, शंख बजाते रहो, है कि नहीं, तो वो कर्म का ही वो भोग रहा है, वो कर्म का ही भोग रहा है। ऐसा होता है, जैसे कोई पिता भी हो, देखो ये सारा संसार तो ऐसे ही है, वह स्वार्थ है सारा संसार। देखो बच्चे को उठाता है पिता, और अपने मुंह में जो रगड़ता है भैया, दाढ़ी में रगड़ता है, आ इधर बच्चा रोता रहेगा और पिता को बड़ा अच्छा लगता होगा। बताओ, इसको पिताजी को सुख मिल रहा है और उसको क्या मिल रहा है, बालक को क्या मिल रहा है, बालक को दुख हो रहा है कि सुख हो रहा है, क्यों राजू क्या हो रहा है, बालक को क्या मिल रहा है, सुख मिल, दुख है ना, लेकिन पिताजी को क्या मिल रहा है बताओ। नहीं, वो तो है, लेकिन सुख मिल रहा है कि दुख का, सुख मिल रहा है ना। हाँ। वो तो बाद में मिलेगा, लेकिन अभी क्या मिला। नहीं, जिसमें जो उसमें तो सुख मिल रहा है ना, उसमें तो सुख मिल रहा है, तो कहने का मतलब देखो किसी को सुख मिल रहा है, युगपत एक ही साथ में पुत्र उत्पन्न हुआ है, वो रोता है देखो, हाँ रोता है, उनको दुख हो रहा है, हाँ लेकिन वो माता पिता को क्या है, सुख हो रहा है। तो युगपत देखो एक ही है, एक ही साथ किसी को सुख हो रहा है तो किसी को दुख हो रहा है, देखिए इसका मतलब पाप पुण्य को तो मानना ही पड़ता है ना, पाप पुण्य को माने बिना नहीं होता। जो सूत्र है बड़ा सुंदर विचार आया, बहुत सुंदर विचार आया कि पूर्व जन्म को तो मानना ही पड़ता है, पूर्व जन्म को नहीं मानेंगे तो पाप पुण्य नहीं था बोलेंगे, पाप पुण्य यदि नहीं है तो फिर ये फल में विचित्रता कहाँ से आ रही है, फल में वैचित्र है, इसका मतलब हमने कभी पहले पाप पुण्य किया था, और पाप पुण्य तब होगा पहले यदि आप आत्मा को मानेंगे, वो आत्मा सविशेष निर्विशेष को बात छोड़ दीजिए, आत्मा के पूर्व जन्म को तो मानना ही पड़ता है। ये योग सूत्र में बड़ा सुंदर विचार है, संस्कार को मानना पड़ता है, इसलिए है कि नहीं। मान लीजिए पहले वो बाघ के व्याघ्र जन्म को प्राप्त किया था, कोई जीव व्याघ्र जन्म को प्राप्त किया था, ठीक है, और इस जन्म में क्या होगा, बंदर बन गया भैया, बंदर बन गया, बंदर बंदर, अब बंदर बनते ही वो देखो पेड़ में, पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है वो बंदर का बच्चा, है कि नहीं, छलांग लगाता, वो संस्कार कहाँ से आया, है कि वो संस्कार आया कहाँ से, देखो इसका मतलब पहले भी वो बंदर बना था, वो पानी में छोड़ दो डूबता नहीं बंदर का बच्चा, हाँ उसको तैरना किसने सिखाया, बंदर ने तो सिखाया ही नहीं उनको, आया कहाँ से संस्कार, बोला स्वभाव, ये स्वभाव से थोड़ी होता है ऐसे। हाँ आजकल विज्ञान बोला नहीं ये स्वभाव है, शरीर का स्वभाव है ना, ये स्वभाववादी बोलते हैं, ऐसे स्वभाव नहीं है ना, तो इसलिए वो संस्कार अब क्या होगा, अभिव्यक्त हो गया, ठीक है, हाँ बंदर के शरीर में वहाँ भोग के लिए, हाँ जो अपा ये जो है अभिव्यक्त कर्म, जो पाप पुण्य प्रारब्ध बोलते हैं जिसको, जिस प्रारब्ध कर्म का भोग के लिए बंदर का शरीर उनको मिला है, उस बंदर के शरीर में जो पाप ये सुख दुख होने वाला है
उसके लिए अनुकूल संस्कार होना चाहिए। बंदर के शरीर में जैसा जैसा व्यवहार के लिए संस्कार होना चाहिए, वही संस्कार ही अभिव्यक्त होता है। हाँ, दूसरे संस्कार अभिव्यक्त नहीं होता है नारायण। हाँ, और बाघ का संस्कार ही अभिव्यक्त हो जाएगा तब तो फिर ये हो कच्चा मांस खाने लगेगा फिर वो बंदर, ऐसा तो होता नहीं है ना। इसलिए परमात्मा को ही मानना पड़ता है, को परमात्मा जानता है कि बंदर के शरीर में जाएगा तो उनको कैसा संस्कार अभिव्यक्त होना चाहिए, ऐसा संस्कार ही परमात्मा अभिव्यक्त करता है, दूसरा संस्कार अभिव्यक्त नहीं करता है। फिर अगले शरीर में कोई बाघ के शरीर में चला गया है कि नहीं, फिर व्याघ्र का संस्कार अभिव्यक्त हो जाएगा। और अगले शरीर मान लीजिए वो ऊँट बन जाएगा, तो ऊँट बन जाएगा तो क्या मांस थोड़ी खाएगा वो। हाँ, फिर जो कांटा खाएगा वो कांटे खाने का संस्कार अभिव्यक्त हो जाएगा। तो परमात्मा जानता है, इसलिए सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान को तो इसलिए तो मानना पड़ता है, सारे पाप पुण्य को जानता है वो। हाँ, किस शरीर में वो भोग होगा, हाँ, उस शरीर भोग के लिए जो अनुकूल संस्कार है वो संस्कार को भी परमात्मा सब जानता है, ठीक है ना। ये पूर्व जन्म को तो मानना ही पड़ता है। हाँ जी, हाँ बोलिए बोलिए। पूर्व जन्म को पूर्व जन्म तो मानते हैं ना, ये ईसाई लोग भी मानते हैं, ईसाई लोग भी मानते हैं, मुसलमान भी मानते हैं, पूर्व जन्म को मानते हैं, पूर्व जन्म को तो मानते हैं ना, मानते हैं पूर्व जन्म को ऐसा है, मानते हैं भाई। हाँ बोलिए। ना ना ना, ऐसा नहीं मानते वो लोग ऐसा नहीं मानते हैं, है ना। तो माया को ही मानते नहीं वो लोग, माया को नहीं मानते, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ऐसे नहीं मानते हैं, समझ में ना, ऐसा है। चलो अच्छा, आगे बढ़े थोड़ा सा, देख लीजिए ये पूरा हो जाए। कृतनाश अकृत अभ्यागमयो, पूर्व जन्म को तो मानता है ना, पूर्व जन्म को तो मानता है, पूर्व जन्म को नहीं मानता है। अच्छा, नहीं मानेगा तो फिर वो कैसे, मेरे ख्याल से तो हाँ, मैं वो मुसलमान का, हाँ मैंने उनका पढ़ा तो नहीं हूँ, मैं मुसलमानों का भाई कुरान वगैरह तो पढ़ा नहीं हूँ, कल थोड़ा बहुत सुना हूँ तो बोल दिया मैंने, है ना। तो चलिए, कृतनाश अकृत अभ्यागमय हो को बार को भवेद, इसका वारण भाई कौन करेगा, दोष हो गया ना। आत्मा को यदि आप अनित्य मानोगे, विनाशी मानेंगे, जो अभी कर्म किए हो पाप पुण्य वो फल दिए बिना नष्ट हो जाएगा, और जो पहले आत्मा नहीं था मानेंगे तब तो कर्म भी नहीं हुआ था पाप पुण्य भी नहीं हुआ था, तो फिर अकृत अभ्यागमन, जो हमने पाप पुण्य नहीं किया है वही फल हमको मिल रहा है ये मानना पड़ेगा, है ना। इसलिए आत्मा का तो नित्य मानना पड़ता है, ये दोष हो जाएगा ना। टीका थोड़ी सी ले लो, भव तो को दोष, हाँ तो भाई होने दो, मतलब क्या आत्मा को अनित्य होने दो, क्या दोष, यही दोष हो गया, कृतनाश अकृत अभ्यागम। देखो, कृतयो हो पुण्य पापयो हो भोगम अंतरण नाश कृतनाश, ये देखो कृतनाश भैया, कृता मतलब किया हुआ कर्म, इसको बोले कृता, कौन सा, चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो, नाश का मतलब नष्ट हो जाना,
किसके बिना? भोग मंत्रणा अंतरेणा, यहाँ ये अंतरण अव्ययपद होता है, मतलब भोग के बिना, अंतरण का अर्थ है बिना, भोग के बिना, सुख दुख का भोग के बिना वो कर्म नष्ट हो गया ना, फल दिए बिना। और अकृत अभ्यागम मतलब क्या? अकृतयो हो अकस्मात, जो हमने कर्म किया नहीं पाप पुण्य का, अकस्मात भाई फल दे रहा है, फलदातृत्वम, वो फल देने लगेगा वो, है ना? तो बिना कर्म का फल कैसे मिलेगा? यदि मिले तो अकृत अभ्यागम कहा जाएगा। एतद् दोष द्वयम्, दो प्रकार दोष हो के नारायण, एक कृतनाश, दूसरा क्या है? अकृत अभ्यागम। ये वेदांती को कहना है भैया, ये है ना, एतद् दोष द्वयम् आत्मनो अनित्यत्वाभिगमे भवेत्। आत्मा को अनित्य मानने पर दो प्रकार का दोष होगा इति भाव। ये उपसंहार हो गया, इसलिए आत्मा को आप सावयव नहीं मान सकते, सावयव मानने पर अनित्य हो जाएगा नारायण, और अनित्य मानने पर ये दो प्रकार का दोष हो जाएगा। आगे फिर कहा जाएगा आत्मा फिर व्यापक ही है, आत्मा को व्यापक मानना चाहिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।